वेलकम टू माय चैनल। आज हम आने जा रहे हैं आलू मटर पुलाव। सर्दियों में गरम गरम पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ली है गाजर, मटर, फूल गोभी, 2 से 3 हरी मिर्च, आलू, हरा धनिया, टमाटर और प्याज। खड़े मसालों में हमने तेज़पत्ता, जीरा, लौंग और काली मिर्ची ली है और ऑयल की जगह हमने देसी घी का इस्तेमाल किया। देसी घी को अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, काली मिर्च और लौंग। इसके बाद इसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। अब इसे हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक हल्का भूनेंगे। प्याज को हमें लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगी। इसके बाद हम इसमें फूल गोभी डालकर उसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमारी भून गई है, इसमें हम डालेंगे अब फूल गोभी। इसमें मटर भी डाल देंगे हम साथ में और अच्छी तरह से चलाते हुए भून सकते हैं। सब्जी हमारी थोड़ी सी भुन गई है, अब इसमें हम कटी हुई गाजर डाल देंगे। सब्जियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें हम कटे हुए टमाटर डालकर इसे अच्छी तरह से 1 या 2 मिनट तक इसे हल्के भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। सब्जी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और मसाला भी हमारा भुन गया है। इसमें हम धुले हुए चावल को डाल देंगे। इन सबको चला देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से।
इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इस नमक को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब जितना हमने चावल लिया था जिस कटोरी से नाप के, उससे दुगना इसमें हमें पानी डालना है। जैसे एक कटोरी हमने चावल लिए थे, हमें 2 कटोरी पानी डालना है इसमें। ये हमने अंदाज से इसमें पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। मटर पुलाव बनकर तैयार है हमारा। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।